हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे टू ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तीन टास्क के बारे में। फर्स्ट का नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है फंक्शन और थर्ड है लेट एंड कांस्टेंट। तो चलते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरफ। तो इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, एक का नाम है गेट एरे और एक का नाम गेट पैरामीटर। इस फंक्शन में हमको दो वैल्यू दी जाएंगी, लेंथ और ब्रेथ। एक में हमको एरे कैलकुलेट करना है और एक में हमको पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चल के देखेंगे, इन्होंने हमें फॉर्मूले भी दे रखे हैं कि एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना है और पैरामीटर निकालने के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करना है। तो चलते हैं अपने कोड स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले मैं ये कमेंट्स रिमूव कर देता हूँ, इससे आपके लिए भी ईजी रहेगा और मेरे लिए भी कोड करने में। ओके, सो इट लुक लाइक दिस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एरिया इज इक्वल्स टू, अब हमको क्या करना है, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी डे वन ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो आप लोगों को उसमें पता होगा हम लोग इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बट प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा है कैलकुलेशन वाली वैल्यू, तो हम लोग इसमें कोई भी ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, सिंपल से लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। बट जो हमारी पैरामीटर वाली वैल्यू होगी, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब हम लोग लेंथ प्लस ब्रेथ ना करते हुए हम लोग ब्रैकेट का यूज करेंगे। और ब्रैकेट का यूज क्यों करेंगे, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा हम लोग ग्रीन ब्रैकेट का यूज किया है। तो मैं इस बार कोड को रन करके देखता हूं और टेस्ट करता हूं कि मेरे को ग्रीन बत्ती मिलेगी। बिल्कुल ग्रीन बत्ती मिल गई, कोड सबमिट करके देखते हैं और मेरे को तीनों के तीनों टेस्ट के पास हो चुके। तो अगर मैं चेक करूँ कि इनमें क्या क्या था, ओके इसमें बहुत सारी वैल्यूज थी अजीब अजीब सी। तो आप लोग भी इस टास्क को ट्राई करना और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना ये टास्क आपको कैसा लगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। ये डे टू आ गया, सॉरी, अब हम लोग चलेंगे डे वन फंक्शन की तरफ। डे वन फंक्शन में हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना है, फैक्टोरियल नाम का फंक्शन क्रिएट करना है जो कि एन वैल्यू लेगा और हमको प्रिंट कराना है एक किसी भी डिजिट का फैक्टोरियल, जो हमारी एन होगी उसका फैक्टोरियल। सो ये हमारा फैक्टर कॉल हो गया। तो हम लोग जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं फंक्शन कीवर्ड का, जैसे हम लोग पाइथन में हम लोग डेफ का यूज करते हैं, ऐसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। तो फंक्शन फैक्टोरियल FACTORIAL फैक्टोरियल, और कोई भी वैल्यू अगर हम लोग फंक्शन पास करेंगे तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। ये सब आप लोगों को प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ाई होगा। और मैं अपना फैक्टोरियल का कोड लिख देता हूँ जो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं, रिटर्न 1 else रिटर्न n into फैक्टोरियल n माइनस 1। और मैं एक बार कोड सबमिट करके देखता हूँ, चेक करता हूँ क्या आउटपुट मेरे को मिलता है इसमें, और मेरे को ग्रीन बत्ती मिल गई। इन्होंने 4 का वैल्यू इनपुट की थी और 24 मेरे को उसमें मिल गया। इस बार कोड को सबमिट करके देखता हूँ क्या मेरे को उसमें भी ग्रीन बत्ती मिलेगी, और मेरे को इसमें भी ग्रीन बत्ती मिल गई। मेरे तीनों के तीनों टेस्ट केसेस इसने क्लियरली पास कर दिए जावास्क्रिप्ट के डे टू फंक्शन में। आई होप आप लोग फंक्शन क्रिएट करना पाए जावास्क्रिप्ट में सीख गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। अगेन डे टू ऑफ लूप आ गया, लेकिन हम लोग को भी करना है लेट एंड कंस्टेंट। देखिए जावास्क्रिप्ट में हम लोगों के इसमें लेट एंड कॉन्स्टेंट क्रिएट करने हैं। अब लेट एंड कॉन्स्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो लेट होता है अगर हम लोग यूजर से कभी वैल्यू ले रहे हैं या कोई ऐसी वैल्यू जो हम लोग बार बार ओवरराइट करते हैं तो हम लोग उस जगह यूज करते हैं लेट। बट कोई हमारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है जो हम लोग पूरे एंटायर होते प्रोग्राम वैल्यू सेम रहेगी तो हम लोग यूज करते हैं कॉन्स्टेंट। और अब इस वाले वैल्यू में क्या करना है, हम लोग को दो वेरिएबल डिक्लेयर करनी है, एक में हमें यूजर से इनपुट लेना है और दूसरा हमारा एक कंसोल होगा और दूसरा हमारा कॉन्स्टेंट होगा जो हमारी पाई की वैल्यू होगी। और हमें प्रिंट करना है एरिया ऑफ सर्किल और पैरामीटर ऑफ सर्किल, फॉर्मूला इन्होंने दे ही दिया। तो अगेन हम लोग इसको रिमूव कर देता हूँ और सबसे पहले मैं इसमें दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट आर इक्वल्स टू रीड लाइन। रीड लाइन हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे जावास्क्रिप्ट में, ये हो गया लेट। लेट मैंने इसलिए करा है क्योंकि हम लोग यूजर से किसी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। मैं लेट की जगह कॉन्स्टेंट यूज नहीं कर सकता था इसीलिए मैंने लेट यूज किया, क्योंकि कॉन्स्टेंट की वैल्यू ऑलवेज डिफाइन रहती है, वो कभी कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप लोग चेंज नहीं कर सकते। सो इसीलिए मैं अब हम लिखता हूँ, हम लिखते हैं कॉन्स्टेंट
py equals to math.py. math.py हमारा एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है जावास्क्रिप्ट में, जिसकी हेल्प से आप लोग पाई की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मेरे को प्रिंट करना है console.log पाई इंटू आर इंटू आर। आर इंटू आर हमारा रेडियस हो गया जो हम यूजर से इनपुट लेना है, और जो दूसरा हम लोग प्रिंट करते हैं console.log पाई इंटू टू इंटू आर, पाई इंटू टू इंटू आर, और हम लोग रन करके देखते हैं क्या हमारा इसमें आउटपुट मिलता है। यस, हमारा इसने हमें ग्रीन बत्ती दे दी। यू डिक्लेयर पाई एज अ कॉन्स्टेंट, ओके आर इज आई डिक्लेयर पाई, यस आई डिक्लेयर पाई एज अ कॉन्स्टेंट, सो ओके लेट मी चेंज दिस, आई विल जस्ट टाइप पी आई, बिकॉज क्या होता है जो कैपिटल पी आई दोनों से हमारे सेम हो रहे, क्या उसमें सेम हो रहे थे, तो ये जावास्क्रिप्ट में थोड़ी वैसे प्रॉब्लम नहीं करता, बट फिर भी आप लोग को वेरिएबल्स का नेम हमेशा चेंज ही रखना होगा। सो लेट्स रन करते हैं अगेन, डोंट वरी, हम लोग सबमिट कोड सबमिट करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट मिलता है। ओके गाइस, सो हमें आउटपुट हमारा करेक्ट आउटपुट था, और मेरे को इसमें एक स्टार भी मिल गया, तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट के 2 स्टार हो गए। तो इस स्टार के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लेना। हमारा डे 2 भी कंप्लीट हो गया है जावास 10 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इफ एल्स स्विच केस और लूप्स। अगर आप लोग इफ एल्स और स्विच केस और लूप्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो उस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। मैं इसी तरह की रेगुलर वीडियो जावास्क्रिप्ट पे डालता रहूंगा। तो बस गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।